अगर हमारे पास एक मैजिक वांड हो और हम मैजिकली आज ही एक दिन में इस पूरे सेक्टर को इलेक्ट्रिफाई कर दें तो यहाँ से 4500 मेगावाट की इंक्रीमेंटल डिमांड जनरेट हो सकती है। बट यहाँ पर एक मैसिव अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंशियल सेक्टर्स को पूरी तौर पर इलेक्ट्रिफाई करें। हम एक मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो बहुत बड़ी मेजर मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आर एनर्जी सीरीज। दुनिया भर में एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा ये बताती है कि उस मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या हाल है। नाउ वर्ल्ड एवरेज ऑफ पर कैपिटा पावर कंजम्पशन ऑन एन एनुअल बेसिस इज 3200 किलोवाट आवर्स और ये पाकिस्तान में 570 किलोवाट आवर है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 6x लेस। बट यहाँ पर एक मैसिव अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंशियल सेक्टर्स को पूरी तौर पर इलेक्ट्रिफाई करें। एंड इफ यू डू दैट, यहाँ से इंक्रीमेंटल 9500 मेगावाट की डिमांड जनरेट हो सकती है। पाकिस्तान का रेजिडेंशियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज राइप फॉर डिसरप्शन एंड इट इज राइप फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही को ले लें तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ के करीब व्हीकल्स हैं। इनमें 3 करोड़ मोटर बाइक्स हैं, तकरीबन 57 लाख गाड़ियां हैं और तकरीबन 24 लाख ट्रक्स और ट्रैक्टर्स हैं। नाउ दिस सेक्टर अलोन कंज्यूम्स $13 billion वर्थ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो कि प्राइमरीली इंपोर्ट किया जाता है। अगर हमारे पास एक मैजिक वांड हो और हम मैजिकली आज ही एक दिन में इस पूरे सेक्टर को इलेक्ट्रिफाई कर दें तो यहाँ से 4500 मेगावाट की इंक्रीमेंटल डिमांड जनरेट हो सकती है, विच इफ़ यू लुक एट इट इज़ अ 20% इंक्रीज ऑफ आर करंट एनुअल डिमांड। नाउ ऑफ कोर्स दिस विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिक कार्स का जो चेंज ओवर का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि एक तो जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से एक्सपेंसिव हैं। अभी तक मुश्किल से 2000 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं, बट अभी भी दीज आर टॉयज़ फॉर बॉयज़। लेकिन अगर आप बाइक्स को देखें तो एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। 2024 में 35,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स रजिस्टर की गई हैं या बिकी हैं। नाउ इसमें दो सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ए नई बाइक्स में एंड सेकेंडली एग्जिस्टिंग बाइक्स को रेट्रोफिट करने में। पाकिस्तान में एनुअली 15 लाख बाइक्स बिकती हैं और ये एक रेगुलर बाइक की अगर हम प्राइस देखें जो पेट्रोल से चलती है वो एनीवेयर फ्रॉम 1,60,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन अगर हम नए ईवीज़ को देखें तो वो 1 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक जाती हैं और अगर हम एग्जिस्टिंग बाइक को रेट्रोफिट करें तो ये तकरीबन 1,20,000 रुपए की कॉस्ट आती है। डिड यू नो कि 15 आईपीपीस के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। के ट्रेड एक डिजिटल ब्रोकरेज फर्म है और आप इनकी ऐप या वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू आईपीपीस या और किसी भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा के ट्रेड अक्सर सेक्टर्स की रिसर्च भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। इनके बारे में मजीद जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर क्लिक करें। थैंक यू के ट्रेड फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। नाउ रेट्रोफिटिंग क्या होती है? रेट्रोफिटिंग में आप एग्जिस्टिंग बाइक को इलेक्ट्रिफाई करते हैं, हम उसका इंजन, फ्यूल टैंक और एग्जॉस्ट को रिमूव कर देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर से, बैटरी से, और ये बैटरी टिपिकली या सीट के नीचे या जो फ्यूल टैंक वाला एरिया होता है वहाँ पर लग जाती है। इसके अलावा इसमें कंट्रोलर्स ऐड हो जाते हैं, थ्रॉटल ऐड हो जाता है एंड फिर जो चार्जिंग सॉकेट है उसको भी इसमें लगा दिया जाता है। नाउ द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बिट इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक बाइक्स में सेविंग्स फौरी तौर पर नज़र आने शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप रेगुलर पेट्रोल से चलने वाली बाइक अगर लें तो उसकी जो कॉस्ट आती है रनिंग की वो 6 रुपये पर किलोमीटर आती है। एज अपोज टू दैट, इलेक्ट्रिक बाइक्स की आजकल जो कॉस्ट आ रही है वो 1.5 रुपये पर किलोमीटर है, ऑलरेडी 4 times चीपर, और यू कैन से 25% ऑफ अ पेट्रोल रन मोटरबाइक। नाउ जो कंज्यूमर ऑन एवरेज है वो 40,000 रुपए सेव कर सकता है बाय द स्विच। सो एक मिसाल ले लेते हैं CD70 की, जो तकरीबन 1,70,000 रुपए की होती है। अगर आप इसी को कंपेयर करें 1,70,000 रुपए की ईवी की, विच इज़ प्रीटी हाई स्टैंडर्ड ईवी, तो इसका जो पेबैक बनता है वो 4.5 साल का बनता है। और अगर आप 1,20,000 रुपए में अपनी एग्जिस्टिंग बाइक को रेट्रोफिट कराते हैं तो उस रेट्रोफिट का पेबैक बनता है 3 साल। बट दिस इज़ वेयर इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स में तकरीबन 40-50% जो वैल्यू होती है वो बैटरी की होती है। वॉट इफ एंड कस्टमर को बैटरी खरीदना ही ना पड़े? नाउ दिस इज बिकमिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्वॉपेबल बैटरी सिस्टम्स, कि आप जब बाइक खरीदते हैं तो आप बैटरी नहीं खरीदते, आप अपफ्रंट बैटरी को रेंट करते हैं एंड इंस्टेड एक पूरा रेंटल मैकेनिज्म और इकोसिस्टम बन जाता है मार्केट में, एक नया सेगमेंट इमर्ज कर जाता है बैटरी स्वॉपिंग स्टेशंस का।
जिस तरह पेट्रोल पंप पर आप जाकर अपनी बाइक में पेट्रोल भराते हैं, स्वैपिंग स्टेशंस में आप अपनी जो यूज्ड बैटरी होती है या जो ड्रेन बैटरी होती है उसको ड्रॉप कर देते हैं और एक चार्ज बैटरी पिक कर लेते हैं, और उसका एक रेंटल सिस्टम होता है जो चल रहा होता है। नाउ अगर आप एक नई बाइक खरीदते हैं विदाउट अ बैटरी तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 1,25,000 रुपये पड़ती है, तो आपका पे बैक पीरियड 4.25 साल से कम होकर 3 साल पर आ जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप रेट्रोफिटिंग कराते हैं विदाउट बैटरी यानी कि स्वैपेबल बैटरी सिस्टम के साथ तो आपकी कॉस्ट 65,000 रुपये हो जाती है, विच मीन्स कि आपका पे बैक 1.5 साल में आ जाता है। नाउ द फर्दर गुड न्यूज इज कि ये सारे कॉम्पोनेंट्स जो हैं बाइक के एंड इंक्लूडिंग बैटरी रादर मेनली बैटरी ये हर साल सस्ते से सस्ते तरीन होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि जो पे बैक पीरियड है ये श्रिंक होता जाएगा। नाउ गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस पूरे निज़ाम को सपोर्ट करें। इनफैक्ट जो नई ईवी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने निकाली है उसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि ये स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस अक्रॉस पाकिस्तान लगें और उसके लिए वो कुछ इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, बाइक्स अलोन जो हैं वो $5 बिलियन का पेट्रोल कंज्यूम करते हैं जो हम प्राइमरीली इम्पोर्ट कर रहे हैं। इमेजिन द एफेक्ट सेविंग्स। प्लस अगर बाइक्स ही की कंजम्पशन को इलेक्ट्रीफाई किया जाए तो 1,300 मेगावाट की डिमांड तो सिर्फ यहीं से आ जाती है, और अगर हम ओवरऑल ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर पाएं, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल, तो ये 4,500 मेगावाट की सालाना इंक्रीमेंटल डिमांड है। एंड नाउ पिछली वीडियोस को देखकर आप ये समझ चुके हैं कि इंक्रीमेंटल डिमांड आने से कैपेसिटी पेमेंट वगैरह के और जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। पर मोर इम्पॉर्टेंटली ये ईवी रेवोल्यूशन एक $multi-billion अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें हम ये तमाम कंपोनेंट्स खासकर बैटरीज जो हैं उनको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको कैसे टैप किया जा सकता है इस पर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। नाउ बात है हाउसिंग की तरफ। इंटरेस्टिंगली दुनिया भर में जो टोटल पावर की डिमांड होती है उसका ऑन एवरेज 28% रेजिडेंसेस कंज्यूम करते हैं, पर ऑन द अदर एंड पाकिस्तान में रेजिडेंशियल डिमांड मेक्स अप 47% ऑफ टोटल डिमांड। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। अगर हाउसेज की एनर्जी डिमांड को देखें जिसमें पावर और गैस दोनों शामिल हैं, तो उसके जो यूज़ केसेज हैं उसमें एक तो आपकी जो रेगुलर बिजली वगैरह आप यूज़ करते हैं बत्तियों के लिए, पंखों के लिए, एसी वगैरह के लिए, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा गैस लेड एनर्जी यूज़ है वो है कुकिंग के लिए, पानी को गर्म करने के लिए और विंटर में घर को गर्म करने के लिए। तो ये जो कुकिंग, पानी की हीटिंग और घर की हीटिंग का टोटल यूज़ है, दिस मेक्स अप अबाउट 50% ऑफ आर एनर्जी यूज़, और एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है कि इसको इलेक्ट्रिफाई किया जाए। एक तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर की नेचुरल गैस लोकली कंज्यूम हो रही है जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और उस पर अब लोड शेडिंग भी होती है, उससे हटकर इस गैस को बचाकर कुकिंग को, हीटिंग को और वाटर हीटिंग को इलेक्ट्रिफाई किया जाए। अगर कुकिंग अलोन को इलेक्ट्रिफाई कर लिया जाए तो ये 2100 मेगावाट की इंक्रीमेंटल डिमांड जनरेट कर सकती है। हीटिंग इज अनदर 2100 मेगावाट्स एंड वाटर गीजर्स को ट्रांसफ़र करना इज अनदर 700 मेगावाट्स। तो इसमें जो दो मेजर स्टेप्स हैं, पहले तो ये इक्विपमेंट को चेंज करना पड़ेगा। नाउ थैंकफुली पाकिस्तान में ऑलरेडी स्टोव्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स और हीटर्स बन रहे हैं। स्टोव्स तकरीबन 4,500 रुपये की कीमत में हैं, गीजर्स तकरीबन 22,000 की कीमत में हैं और हीटर्स इवन 2,000 रुपये तक की कीमत पे मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेजर अपॉर्चुनिटी है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का एक मैसिव सेटअप लगाया जाए और इनकी कॉस्ट को भी नीचे लाया जाए। अगेन इसको हम आगे एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो दूसरा इसका कंपोनेंट है फॉर दिस टू सक्सीड, इट इज़ के प्राइस को कम करना होगा। आपने हमारी पिछली वीडियो में 8 स्टेप्स देखे थे जो अगर हुकूमत आज से लेना शुरू करे तो वो एवरेज कंज्यूमर के टैरिफ को 54 रुपये से कम करके फौरी तौर पर या काफ़ी जल्दी 32 रुपये पर ला सकता है। नाउ इफ़ वी कैन डू दैट तो हम डिमांड को इमीडिएटली बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक विंटर पैकेज अनाउंस किया है कि जिसमें अगर आप दिसंबर से फरवरी में अपने पिछले साल की डिमांड से 25% ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको 26 रुपये पर यूनिट बिजली मिलेगी। नाउ वी पर्सनली थिंक एट पाकिस्तान एंड काउंटिंग के इस किस्म की इंक्रीमेंटल कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए। इस वक्त डिमांड का विंटर में इतना बुरा हाल होता है कि वो 25% का थ्रेशोल्ड ना भी हिट करें तब भी अबव सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स इसको देना चाहिए। बट जो एटलीस्ट थिंकिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन के ये जो यूज़ केसेस हैं जो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं इनको मूव करके इलेक्ट्रिफाई किया जाए और 4,500 मेगावाट की इंक्रीमेंटल डिमांड जनरेट की जाए। एक तरह से आप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड शुरू हो गया है बिकॉज इनकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से बेहतर होती जा रही है।
But this is where the government has an opportunity कि अगर वो खास तौर पे पावर की प्राइस को इन दो सेगमेंट्स के लिए कट करती है और स्पेशली इंसेंटिवाइज करती है तो बहुत जल्दी हम एक मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो बहुत बड़ी मेजर मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. थैंक यू एंड खुदा हाफिज़. और जाते हुए एक सवाल, क्या आपने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने को कंसिडर किया है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? अपना जवाब हमें कॉमेंट्स में ज़रूर दें एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब पाकिस्तान एंड काउंटिंग.